अब बहुत से लोगों का बजट इतना ज्यादा नहीं होता कि वो लोग न्यू आईफोन्स को परचेज कर सके। अब यहाँ पे दो ऑप्शंस बचते हैं, यूज्ड या फिर रिफर्बिश्ड आईफोन्स। अब यूज्ड आईफोन्स को लेने में थोड़ा ज्यादा रिस्क होता है, क्योंकि आपको यहाँ पे अच्छी तरीके से चेक करना आना चाहिए आईफोन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या फिर अगर आप किसी ट्रस्टेड पर्सन से बाय करें तो काफी ज्यादा अच्छा रहता है, या फिर किसी ट्रस्टेड शॉप से। बट वहीं अगर हम बात करें रिफर्बिश्ड आईफोन्स की, सो यहाँ पे चीजें थोड़ी ज्यादा इजी हो जाती है। यहाँ पे आपको मल्टीपल वेबसाइट मिलती है, लाइक टू गुड, कैशिफाई, सेलबडी, सही वैल्यू, मोबाइल गो एक्सेट्रा। सो इन सभी वेबसाइट से आप घर बैठे आईफोन को ऑर्डर कर सकते हो। वहीं आपको उसी के साथ सात या फिर 10 दिन की कुछ रिप्लेसमेंट पॉलिसी भी मिल जाती है। उसी के साथ मोबाइल फोन्स में क्वालिटी चेक रहते हैं एंड आपको 6 महीने की या फिर 1 साल की वारंटी भी मिलती है सेलर से। तो मैंने कैशिफाई से आईफोन 7 को मंगवाया था एंड टू गुड से आईफोन 8 को। वही मैंने फोन्स को रिप्लेस भी करवाया था, तो मुझे यहाँ पे आइडिया है रिप्लेसमेंट पॉलिसी कैसी होती है, किसकी ज्यादा बेटर है। सो अल्टीमेटली मेरा एक्सपीरियंस किसके साथ बेस्ट था एंड आपको यहाँ पे किससे बाय करना चाहिए, टू गुड या फिर कैशिफाई, कौन ज्यादा बेटर है। इसी के साथ कुछ और इम्पोर्टेंट चीजों की भी हम बात करेंगे, सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड, एज वीडियो बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है एंड आई गारंटी इसको देखने के बाद आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो हे गाइस, आई एम अंकित, यू आर वॉचिंग गैजेट्स लाइफ, लेट्स बिगिन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि मैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइसिंग की, मतलब कि आपको प्राइसिंग किस पे कम मिलती है, किस पे ज्यादा अच्छी प्राइसिंग मिलती है। तो यहाँ पे मुझे दोनों की जो प्राइसिंग है ऑलमोस्ट सिमिलर लगती है, थोड़ा बहुत यहाँ पे डिफरेंस रहता है। अब प्राइसिंग यहाँ पे डिपेंड भी करती है कंडीशन के ऊपर कि आप कौन सी कंडीशन बाय कर रहे हो। स्टिल अगर हम बात करते हैं कि फोन की सेम कंडीशन की प्राइसिंग की, तो यहाँ पे कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। वहीं इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है ऑर्डरिंग एक्सपीरियंस, मतलब कि यहाँ पे ऑर्डर करते टाइम एक्सपीरियंस कैसा रहता है, किस में ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पे हम पहले बात करते हैं कैशिफाई की। सो यहाँ पे आपको फोन्स की मोस्टली 3 कंडीशन मिलती है, फेयर, गुड या फिर सुपर्ब। सो आपको प्राइस के हिसाब से जिस पर्टिकुलर कंडीशन में फोन को बाय करना, आपको उस कंडीशन को सिलेक्ट करना होता है, उसके बाद आप यहाँ पे सिंपली ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। वहीं अगर हम बात करें डिलीवरी टाइम की, तो ये डिपेंड करता है आपकी लोकेशन पे। स्टिल यहाँ पे आपको 3 से लेकर 4 दिन में डिलीवरी हो जाती है एंड ऑर्डर करने के बाद आप लोग यहाँ पे स्टेटस भी देख सकते हो, मतलब कि आपका फोन यहाँ पे डिस्पैच हुआ है फिर नहीं हुआ है, आउटफोर्ट डिलीवरी हुआ है। वहीं अगर हम बात करें टू गुड की, सो टू गुड का एक्सपीरियंस भी काफी ज्यादा सिमिलर, यहाँ पे कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बट एक चीज का आपको यहाँ पे ध्यान रखना होता है, वो है सेलर का, क्योंकि टू गुड पे आपको एक ही मोबाइल फोन में एक ही कंडीशन के काफी सारे सेलर मिल जाते हैं। तो आपको हमेशा ही ध्यान रखना चाहिए, देखना चाहिए कि यहाँ पे किस सेलर की सबसे ज्यादा रेटिंग है, उसी से आप लोग ऑर्डर करें, भले यहाँ पे प्राइस में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो। सो इस चीज को छोड़ के यहाँ पे और सारा एक्सपीरियंस लगभग सेम है एंड जो डिलीवरी टाइम है वो भी यहाँ पे ऑलमोस्ट इतना ही है, 2 से लेकर 3 दिन या फिर कभी कभार 3 से लेकर 4 दिन भी हो जाता है। वहीं इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, पैकेजिंग एंड एक्सेसरीज की, मतलब कि फोन डिलीवर होने के बाद आपको यहाँ पे किस तरह की पैकेजिंग मिलती है, एक्सेसरीज कैसी मिलती है। तो कैशिफाई के थ्रू आपको ज्यादा टाइम पे फोन प्रो का बॉक्स मिलता है, कुछ इस तरीके का ऑरेंज कलर का बॉक्स होता है, तो मैक्सिमम टाइम आपको यही बॉक्स मिलता है। वही अगर हम बात करें टू गुड की, सो टू गुड पे आपको अलग अलग तरह के बॉक्स देखने को मिल सकते हैं, लाइक वो डिपेंड करता है सेलर पे, क्योंकि कई बार कुछ सेलर अपनी ब्रांडिंग कर देते हैं बॉक्स पे एंड कई बार आपको सुपर्ब कंडीशन में भी ओरिजिनल बॉक्स मिल जाता है। वहीं आपको टू गुड पे लाइक न्यू कंडीशन भी मिलती है, उसमें आपको हमेशा ही ओरिजिनल बॉक्स मिलता है, ओरिजिनल एक्सेसरीज मिलती है। वहीं कैशिफाई पे भी आपको सुपर्ब से एक ऊपर कैटेगरी मिलती है, बट वो जनरली ज्यादा अवेलेबल नहीं होती है, बहुत ही ज्यादा रेयर होती है। वहीं अगर हम बात करें एक्सेसरीज की, तो यहाँ पे एक्सेसरीज को लेकर मेरा एक्सपीरियंस टू गुड के साथ थोड़ा बेटर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जब मैंने आईफोन 7 को ऑर्डर करा था, तो यहाँ पे मुझे ऐसी एक्सेसरीज मिली थी जो कि आपस में सपोर्टेड ही नहीं थी, मतलब कि टाइप सी टू लाइटनिंग केबल एंड यहाँ पे यूएसबी टाइप ए वाला अडेप्टर था। सो ये चीज मुझे काफी वियर्ड लगी थी। वहीं टू गुड में ऐसा कोई भी एक्सपीरियंस नहीं रहा है, टू गुड से मैंने 3-4 बारी फोन को ऑर्डर करा, उसके बाद भी एक भी बार ऐसा नहीं हुआ है। वहीं अगर हम बात करें एक्सेसरीज की क्वालिटी की, तो यहाँ पे क्वालिटी ऑलमोस्ट सिमिलर है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आपको यहाँ पे सपोर्टेड एक्सेसरीज मिलती हैं थर्ड पार्टी कंपनीज की एंड बहुत ज्यादा रेयर होता है कि आपको यहाँ पे सुपर्ब कैटेगरी में ओरिजिनल एक्सेसरीज मिले। लाइक अभी मैंने रिसेंटली आईफोन 8 मंगवाया था टू गुड से सुपर्ब कैटेगरी में, इसमें मुझे ओरिजिनल अडेप्टर मिला था। वहीं इसके बाद अगर हम बात करें कंडीशन की एंड डिवाइस की वर्किंग की, सब यहाँ पे कंडीशन दोनों की काफी ज्यादा अच्छी मिलेगी। अगर आप यहाँ पे सुपर्ब कैटेगरी में फोन को ऑर्डर करोगे, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको यहाँ पे स्क्रैचेस वगैरह नहीं मिलेंगे, लाइक न्यू कंडीशन ही मिलेगी। बट स्टिल कंडीशन अच्छी होने के बाद भी यहाँ पे बहुत ज्यादा बड़ा इशू मुझे लगा था कैशिफाई में, जो कि आपको नेक्स्ट पॉइंट में शेयर करूंगा। वहीं अगर हम बात करें टू गुड की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आईफोन 8 की कंडीशन बिल्कुल लाइक न्यू है एंड यहाँ पे बैक एंड फ्रंट ग्लास ओरिजिनल है। वहीं अगर बात करें साइड की फ्रेम की, तो ये भी ओरिजिनल है, सारी चीजें ओरिजिनल है एंड उसी के साथ अगर हम बात करें डिवाइस की वर्किंग की, तो यहाँ पे भी ऐसा कोई भी डिफरेंस नहीं है। दोनों में आपको अच्छे क्वालिटी चेक्स मिलते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे डिवाइस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। अगर हम बात करें ईयरपीस की, स्पीकर्स की, माइक्रोफोन की, या फिर अगर हम बात करें वाईफाई ब्लूटूथ की, सारी चीजें प्रॉपरली काम करती हैं,
नेटवर्क्स में भी ऐसा कोई भी यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम नहीं लगी है। बट वहीं अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि मेरे हिसाब से प्योरली जाता है टोगुड के फेवर में, वो है पार्ट्स एंड फंक्शनिंग। अब यहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस कैशिफाई के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने जब आईफोन 7 को ऑर्डर करा था तो उसका प्राइस लगभग था 12,500 रुपए, एंड उस टाइम पे टोगुड पे इसका प्राइस सुपर कैटेगरी में था लगभग 13,500 रुपए। बट उसके बाद भी मुझे यहाँ पे जो आईफोन 7 का डिस्प्ले है वो फेक मिला था, मतलब की थर्ड पार्टी डिस्प्ले था। सो आप मेरी कैशिफाई वाली आईफोन 7 की अनबॉक्सिंग वीडियो जरूर देखें इस वीडियो को देखने के बाद। एंड वही अगर हम बात करें बैक पैनल की, तो वो भी यहाँ पे चेंज था। सो ऑब्वियसली इन दोनों चीजों के फेक होने की वजह से आईफोन का एक्सपीरियंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं आ रहा था। तो उसके बाद मैंने कैश से आईफोन 7 को रिप्लेस करवाया था, एंड उसके बाद ये वाला पर्टिकुलर आईफोन 7 आया था, आप लोग देख सकते हैं। सो इस वाला आईफोन 7 का भी बैक पैनल वो है चेंज, एंड इस आईफोन 7 का डिस्प्ले भी थर्ड पार्टी था, मतलब कि ओरिजिनल डिस्प्ले नहीं था। एंड एज मुझे यहाँ पे एक्सेसरीज में भी इशू था, इसलिए मैंने रिप्लेस करवाया था। तो बाद में मुझे यहाँ पे जो एक्सेसरीज मिली थी वो आपस में सपोर्टेड थी, उस चीज में प्रॉब्लम नहीं थी, बट फोन से मैं तब भी सेटिस्फाई नहीं था। तो इसलिए मैंने इस वाला आईफोन 7 का डिस्प्ले चेंज करवाया था, मार्केट में जाके ओरिजिनल डिस्प्ले लगवाया था। बट अभी भी इस वाला आईफोन 7 में एक बहुत ज्यादा बड़ा इशू है, वो बैटरी का। अब ये वाली चीज मैंने और भी वीडियोस में शेयर करी है कि यहाँ पे जो बैटरी की क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। यहाँ पे 100% बैटरी हेल्थ शो करता है, उसके बाद में यहाँ पे जो बैटरी का बैकअप है काफी ज्यादा कम है। जब भी यहाँ पे 40 या फिर 35% पे बैटरी आती है, उसके बाद ये अपने आप ही शट डाउन हो जाता है। तो इससे साफ पता चलता है कि यहाँ पे जो बैटरी क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। वहीं मेरे एक फ्रेंड ने आईफोन 10 मंगवाया था कैशिफाई से, जिसकी बैटरी हेल्थ 100% थी, सुपर कैटेगरी का फोन था। बट फोन को यूज करने के 3 दिन बाद ही उसकी बैटरी हेल्थ 85% हो गई थी, जो कि बहुत ही ज्यादा वियर्ड था। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो कैशिफाई या थर्ड पार्टी बैटरी लगाता है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है बिल्कुल भी। तो इन चीजों को लेकर मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा खराब रहा है कैशिफाई के साथ। वही अगर हम बात करें टोगुड की, तो जितनी भी बार मैंने टोगुड से आईफोन मंगवाया उनकी हमेशा ही ओरिजिनल डिस्प्ले आई है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड बैटरी की क्वालिटी भी काफी ज्यादा अच्छी है, मतलब कि यहाँ पे बैटरी का बैकअप अच्छा रहता है, एंड फोन इजीली 1 या 2% बैटरी पे भी सर्वाइव कर जाता है। इसका मतलब यहाँ पे जो बैटरी क्वालिटी अच्छी है। वही अगर हम बात करें रिप्लेसमेंट पॉलिसी की, तो दोनों पे आपको लगभग यहाँ पे 7 दिन की रिप्लेसमेंट पॉलिसी मिलती है। बट वहीं अगर हम बात करें रिफंड पॉलिसी की, तो आपको यहाँ पे कैशिफाई पे इजीली रिफंड नहीं मिलेगा, बट वो चीज यहाँ पे टोगुड पे इजीली अवेलेबल है। क्योंकि जब मैं कैशिफाई वाले आईफोन 7 से सेटिस्फाई नहीं था, मैंने उन लोगों से बात करी तो उन लोगों ने साफ मना कर दिया था रिफंड के लिए। वहीं टोगुड में ऐसा नहीं है, आप लोगों को रिफंड थोड़ा ज्यादा इजीली मिल जाता है। वहीं अगर मैं बात करूं रिप्लेसमेंट पॉलिसी किसकी ज्यादा अच्छी है, ज्यादा इजी है, तो वो भी डेफिनेटली टोगुड की ज्यादा अच्छी है। क्योंकि कैशिफाई पे रिप्लेस करवाने के लिए आपको यहाँ पे किसी नंबर पे कॉल करना होता है, उसके बाद आपको यहाँ पे सारी चीजें बतानी होती हैं, एंड अगर उन लोगों को आपका रीजन वैलिड लगेगा उसके बाद ही रिप्लेसमेंट एक्सेप्ट करते हैं, वरना कई बार रिजेक्ट भी कर देते हैं। इन कंप्लेंट एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे व्हाट्सएप पे पूरा कम्युनिकेशन रहता है। बट स्टिल यहाँ पे जो प्रोसेस है बहुत ही ज्यादा स्लो था, मुझे बार बार कॉन्टेक्ट करना पड़ रहा था, ज्यादा इजिली रिप्लाई वगैरह नहीं आता है। वही अगर हम बात करें टोगुड की, तो टोगुड पे चीज बहुत ही ज्यादा इजी है, आपको जस्ट यहाँ पे एक क्लिक करना होता है, आपको यहाँ पे रीजन मेंशन करना होता है, उसके बाद यहाँ पे आपका रिप्लेसमेंट एक्सेप्ट हो जाता है। अब क्योंकि टोगुड फ्लिपकार्ट का, तो यहाँ पे पॉलिसी कुछ उस तरीके से काम करती है। सपोज अगर आप कोई फ्लिपकार्ट से न्यू फोन परचेस करते हो, उसका रिप्लेसमेंट या फिर रिटर्न करवाते हो, तो टोगुड में एक्जैक्टली ऐसा ही है। सो फाइनली अगर हम बात करें मेरे एक्सपीरियंस की, मेरा एक्सपीरियंस किसके साथ ज्यादा अच्छा रहा है, सो आई थिंक आपको यहाँ पे आइडिया लग गया होगा कि मेरा एक्सपीरियंस किसके साथ ज्यादा अच्छा रहा है। सो डेफिनेटली आप लोगों को यहाँ पे मैं टोगुड को रिकमेंड करना चाहूंगा ओवर कैशिफाई, क्योंकि टोगुड में यहाँ पे चीजें ज्यादा इजी हैं, आपको जो यहाँ पे फोन की क्वालिटी मिलती है ज्यादा अच्छी मिलती है, आपको 1 साल की वारंटी मिलती है, वहीं कैशिफाई में केवल 6 महीने की वारंटी है। एंड अगर फोन में कोई भी इशू होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो आप इजिली रिप्लेसमेंट करवा सकते हो, वहीं कैशिफाई में ये चीज थोड़ी ज्यादा डिफिकल्ट है। सो डेफिनेटली अगर हम बात करते हैं प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में या फिर सर्विस के रिगार्डिंग, तो टोगुड इज बेटर देन कैशिफाई। अब स्टिल यहाँ पे मुझे बहुत ज्यादा क्वेरीज आती हैं कैशिफाई के रिगार्डिंग, कि कैशिफाई से रिफर्बिश्ड आईफोन्स को बाय करें या फिर नहीं करें, अच्छी डील्स मिल रही हैं। तो फ्रेंकली बताऊं तो आप लोगों को मैं यहाँ पे सजेस्ट नहीं करना चाहूंगा कि आप लोग कैशिफाई से बाय करें। बट यस, आप एक केस में बाय कर सकते हैं अगर आपके घर के आसपास कोई कैशिफाई का स्टोर है। अगर आप लोग स्टोर से जाके बाय करेंगे तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आप लोग यहाँ पे पहले से फोन की कंडीशन देख सकते हो, फिजिकली उसको चेक कर सकते हो, उसके बाद आप लोग उसको परचेस करोगे। बट वहीं अगर हम बात करें ऑनलाइन ऑर्डर करने की, सो मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड नहीं करना चाहूंगा कि अगर फोन में कोई भी इशू होता है, प्रॉब्लम होती है, तो उसके बाद का जो एक्सपीरियंस है इतना ज्यादा इजी नहीं है, इसको अगर हम कंपेयर करते हैं टोगुड के साथ। सो गाइज, आई होप अब आपको आइडिया लग गया होगा इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं मुझे कमेंट सेक्शंस में जरूर बताना, एंड इन दोनों के अलावा मुझे नेक्स्ट आईफोन किस वेबसाइट से ऑर्डर करना चाहिए, अपने ओपिनियन जरूर दें। अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो हेल्पफुल लगा है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पे न्यू है सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियोस लाता रहता हूं। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में, टिल देन टेक केयर।